लोकतंत्र हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया हमें एक बहुमूल्य उपहार। अब समय आ गया है कि हम इसकी गरिमा को और मजबूत बनाएं। भारत 17वें लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, तो ये समय हमारा है कि हम लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल हो जाएं, अपने लोकतंत्र की अभूतपूर्व मिसाल का विश्व में प्रदर्शन करें, गौरवान्वित करें अपने देश को। बंदूक की गोली से भी शक्तिशाली है इस वोट की ताकत, तलवार का पराक्रम भी इसके सामने क्षीण है। आरपी संजीव गोयंका ग्रुप प्रस्तुत करते हैं बटन दबाओ देश बनाओ, नेटवर्क 18 की पहल, एक अभियान जो आपको अपने सपनों का देश बनाने के लिए प्रेरित करता है। लोकतंत्र जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। देश को आपकी जरूरत है, आगे आए और मतदान करें, एकजुट हो जाएं, अटूट बन जाएं। सुनिश्चित करें कि मतदान सूची में आपका नाम है। आरपी संजीव गोयंका ग्रुप प्रस्तुत करते हैं बटन दबाओ देश बनाओ, नेटवर्क 18 की पहल। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत हो चुकी है। बात हो रही है लोकसभा चुनाव 2019 की। एक एक वोट आपके मेरे हम सबके भविष्य के लिए बेहद अहम है। हर हिंदुस्तानी के लिए इस महापर्व में शिरकत करना कर्म भी है और धर्म भी। एक वोट ना जाने कितने बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम करेगा, एक वोट ना जाने कितने घरों में चूल्हे जलाएगा, एक वोट ना जाने कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा जनाब, और एक वोट हमारे महान भारतवर्ष को बुलंदियों तक ले जाएगा। इसलिए वोट देना बेहद बेहद जरूरी है। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 वोटर्स को मतदान के लिए जागरूकता करने के लिए अभियान चला रहा है। आपका एक वोट का योगदान देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं बटन दबाओ देश बनाओ। और इसीलिए मैं आपको शुरुआत में बताना चाहता हूं वोट देने का संपूर्ण विश्लेषण, जो आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि आखिर वोट की कीमत क्या है। एक वोट करीब 4% ऐसे बच्चों को प्राइमरी शिक्षा दिला सकता है जिन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। एक वोट 5 करोड़ से ज्यादा अति गरीब लोगों की जिंदगी सवार सकता है। एक वोट मरीजों को बेहतर इलाज दिला सकता है। एक वोट सड़क बिजली पानी घर इन तमाम समस्याओं पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लगा सकता है। और मेरे साथ बात करने के लिए जनता जनार्दन तो मौजूद है ही, अपने लिए तालियां बजाइए क्योंकि आप हैं इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति। आप हैं इस लोकतंत्र की वो शक्ति जिसके आगे आकर हर नेता हर प्रधानमंत्री हर नेता विपक्ष झुकता है और कहता है हमारा साथ दो। इसलिए अपनी ताकत को समझिए क्योंकि आपकी ताकत इस मुल्क भारत वर्ष की ताकत है। और मेरे साथ सोनल मान सिंह है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उनका स्वागत है। मेरे साथ शिवानी वजीर है जो कि ऑथर है एक्टिविस्ट है, उनका स्वागत है। मेरे साथ जाने माने इमेज गुरु दिलीप चरियन साहब है, उनका स्वागत है। अद्वैता कैला है जानी मानी ऑथर है, उनका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुहिम में अपना समर्थन दिया है। आइए सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या बोले हैं। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि गर्मी के दिन है, जलपान करने से पहले सुबह सुबह ही वोट करें। और इसलिए मैं कहता रहता हूं पहले मतदान बाद में जलपान। दूसरा मेरा आग्रह है कि मतदाता इन दिनों काफ़ी जागरूक हुए हैं, लंबी लंबी कतार होती हैं, खुद भी साथ अपना पानी लेकर के ही जाएं, वो अच्छा होगा। आजकल तो इलेक्शन कमीशन काफ़ी व्यवस्था करता है, बैठने की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, फिर भी क्योंकि गर्मी के दिन है और मैं चाहूँगा कि बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो, हम भारी मतदान करें, जहाँ भी आपकी पसंद हो वहाँ वोट डालें। और विशेष करके मेरा नए मतदाताओं से आग्रह है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार मतदान करने वाले लोकसभा में वो 21वीं सदी का उनका पहला मत है, उनके जन्म के बाद का, ये अपने आप में बड़ा गौरव है। और
हमारे देश में जो नए मतदाता हैं उनका बहुत सम्मान होना चाहिए, बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो पहली बार राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय की भूमिका अदा करने जा रहा है, वो एक भागीदार बनने जा रहा है। और इसलिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मेरी उनको विशेष आग्रह है कि आप जरूर मत डालिए। मेरा दूसरा आग्रह है कि आजकल ऑनलाइन आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका मतदाता सूची में नाम यह है या नहीं है। हम क्यों न इस काम को खुद कर लें, जितना जल्दी हो सके खोजें, ताकि बाद में आखिरी दिन पर जो दौड़ धूप होती है वो न हो। तो मैं सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व में उमंग उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए निमंत्रित करता हूँ। लोकशाही अमर रहे, इसी एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, यही मेरी सद्भावना है। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले मतदान और फिर जलपान, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे। हमारे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले सोनल जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। सवाल बहुत सीधा है, जब हम वोट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मैं तो अपना कर्म निभाया हूँ, अपना धर्म निभाया हूँ, मैं वोट करके आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी वोट करके आएंगे, और लेकिन एक ख्याल मन में आता है कि कोई सरकार हमारा काम नहीं करती, कोई नेता हमें पसंद नहीं है, तो हम वोट नहीं करेंगे। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स को या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है, उनको क्या कहना चाहती हैं? अभी मैं सुन रही थी मोदी जी के पहले जो जनरल आपका वो था जी, कि आप उसके जिसके लिए आपका दिल धड़कता है उसके लिए वोट कीजिए। मैं उसमें एक वाक्य और जोड़ूंगी कि जिसका दिल देश के लिए धड़कता है उसके लिए वोट कीजिए, और वोट करना मत अपना डालना, ये इतना बड़ा अधिकार है, इसको आप गंवाएंगे क्यों? तो फिर आप बड़े मूर्ख हैं, आप नासमझ हैं, यदि आप अपने अधिकार को नहीं पहचानते, और बाद में फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप बैठे बैठे मीडिया सोशल मीडिया पे और दोस्तों के साथ चर्चा करें, अरे क्या है, यू हैव नो राइट टू डू दैट। सो पहले आप मतदान कीजिए, और बहुत अच्छी बात है, पहले मतदान फिर जलपान। तो मतदान एक पूजा की तरह देखना चाहिए, चाहे आप घर में पूजा करें, अगरबत्ती करें, ध्यान करें, जो भी, दिस इज़ लाइक वर्शिप। सोनल जी आपने जलपान कहा, और मैं इसी पे कह दूँगी, एक तरफ दाल है एक तरफ सब्जी, तो सोनल जी का कहना है कि एक तरफ दो ऑप्शंस हैं, आप उनको चुनेंगे या फिर अपनी ही सब्जी पकाएंगे। ये नहीं है कि अगर आप जो है उससे ना चुनाव करें तो फिर आप अपनी खुद की सब्जी नहीं पका सकते हैं। तो अपने आप निश्चय कीजिए देश को किस दिशा में जाना है, और मैं तो कहती हूँ कि 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं 23 तारीख को पता चलेगा परिणाम। ये जो 7 अजूबे हैं, यानी कि 7 फेजेस इलेक्शंस के, इसके दौरान क्या होगा? कुछ समय पहले डायरेक्टर हैं आशुतोष, उन्होंने जोधा अकबर बनाई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने कैमियो किया कई फिल्मों में। तो मैं ये सवाल करूंगी हम सब से कि क्या हम अपना अपना कैमियो करने को तैयार हैं? क्योंकि दुनिया के रंगमंच में, हमारे जीवन के रंगमंच में सबका दिन आएगा, जब तक आप बटन ना दबाएं और वोट ना करें और देश को ना बनाएं। मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे साथ हैं, उनसे पहला सवाल पूछ लेता हूं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, देश आपकी तरफ देख रहा है, इस ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम सब वोट डालने जाएंगे, आपका भारतवर्ष के लिए, देशवासियों के लिए संदेश क्या है? पहला सवाल। इस वक्त सीईसी होने के नाते और मेरे साथी इलेक्शन कमिश्नर्स और मेरे सारे अधिकारियों की तरफ से बड़ी विनम्र अपील करूंगा कि अगर आप अधिकाधिक वोट देने के लिए निकले तो आप प्रजातंत्र की जो नींव है उसको और मजबूत करेंगे। चरण साहब आपके पास भी आऊंगा, ज्योता आपके पास भी आऊंगा, और आपके पास भी आऊंगा आपकी राय लेने के लिए। छोटा सा अंतराल, तुरंत वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी बड़ी कवरेज, क्योंकि देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क होने के नाते हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसको हम भली भांति समझते भी हैं। मैं सीधा रुख करता हूँ दिलीप चेरियन आपका, आखिरकार आप इमेज गुरु हैं, अगर आपको मैं अभी बोलूं कि एक लाइन बनाने के लिए कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को और उन वोटर्स को जो इंटरेस्टेड नहीं होते वोट डालने के लिए, घर से निकलने के लिए, या फिर घर से निकलते भी हैं तो कहीं और फिल्म देखने चले जाते हैं और वोट डालने नहीं जाते, उनको आप एक लाइन क्या बोलेंगे? वोट करो
और ये इंडिफरेंस को हटाओ, और अगर आप वोट नहीं करते तो आप इंडिफरेंट होंगे और देश भी उसी तरह आपको ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपका हक बंद हो जाता है, आपका कोई हक नहीं रहता है, क्योंकि आपका जो छोटा सा सबसे छोटा जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में ये है कि आप जाके वहाँ खड़े होके लाइन में और वोट कीजिए, तो उसमें कुछ खास काम है नहीं। आपको छुट्टी दिया जाता है, आपको वहाँ पानी दिया जाता है, आपको सिर्फ मैं ऑडियंस के पास अभी जाऊँगा, अगले दो मिनट के अंदर मैं ऑडियंस के पास जाऊँगा, उनसे जानूंगा। अद्वैता, क्विकली योर टेक। अमीश, बहुत एक सीख ली बहुत अर्ली लाइफ में जी। मैं वो दशक तो नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरी उम्र आपको पता चल जाएगी, पर एक दौर ऐसा भी था, मुझे याद है जब 4 साल के लिए मैं विदेश में रहती थी और हर साल एक ही समय मिलता था समर में या गर्मियों में घर लौटने का, और हर गर्मी में एक नया प्राइम मिनिस्टर होता था। आप समझ गए कौन सा दशक है? 4 साल ऐसे गए जब हर साल एक नया प्राइम मिनिस्टर मिलता था। 96 और 99 के दौर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एच देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, परफेक्ट। तो मेरी ये सीख थी उस जी जी उम्र में, कम उम्र में, कि अगर आप वोट देते हैं तो ज़रूर ऐसी सरकार को दें, ऐसे लोगों को दें जो एक स्टेबल कंसिस्टेंट शक्तिशाली सरकार आपको 5 सालों के लिए दे सके, क्योंकि वोटिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं जनता जनार्दन के पास भी जाऊंगा, पब्लिक के पास भी जाऊंगा आप लोगों की राय लेने के लिए। अब आप अपने हाथ खड़े करिए, कौन कुछ कहना चाहता है, और एक एक लाइन में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आना चाहता हूँ, एक एक लाइन में। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहूंगा सर, माई कंट्री, माई लाइफ, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई बटन, दिस इज माई कमिटमेंट। योर कमिटमेंट, ओके। फर्स्ट टाइम वोटर है कोई इधर? फर्स्ट टाइम, आप फर्स्ट टाइम वोटर है? पक्का लग नहीं रहे फर्स्ट टाइम वोटर, आप उम्र ज़्यादा लग रही है आपकी। मैं सागर केसरी हूँ, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आदरणीय सोनल मानसिंह जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो हमारे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र होते हैं, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं भारत के, और उन लोगों को पता नहीं होता कि उन लोगों का वोटर आईडी कार्ड उन प्रदेशों का होता है कि कहाँ जहाँ उनको वोट करना होता है, और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम वोटिंग करने वहाँ क्यों जाए, क्योंकि हमारा पढ़ाई नुकसान हो जाएगा। तो मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो वोट देने से बचने के लिए दिल्ली में रहना चाहते हैं, अपने कॉलेज में रहना चाहते हैं। अच्छा सवाल है, ओके सोनल जी, क्विकली। मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पर सारी इन्फॉर्मेशन आती है, हाउ यू कैन चेंज योर एड्रेस। तो एक तो ये करना चाहिए, आप जैसे जो नवयुवक हैं जिनके दिल में कुछ आग है, तो आप लोगों को प्रेरित करना चाहिए, और वोटिंग यानी मतदान वाला तो कभी का अनाउंस हो चुका था, तो उसके पहले से आपको अपने दोस्तों के साथ, और इसको सोशल मीडिया में डालते रहिए, हाउ टू डू इट। सर, मैं इनके वाधवा हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा सोनल मैडम ने जो कहा, उन्होंने कहा अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ये देखिए कि किसका दिल देश के लिए धड़कता है, जिसका दिल देश के लिए धड़के उसके पहचाने और उसके लिए बटन दबाए। 70% का टारगेट है, इस टारगेट को और आगे लेके जाना है, इट हैज टू बी अ रेज। मैं आखिरी सवाल इलेक्शन कमिश्नर साहब, सीईसी साहब से यही पूछना चाहता हूँ, न्यूज 18 नेटवर्क के दर्शकों के लिए आपकी अपील क्या है, मैसेज क्या है? जो भी आपके दर्शक हैं उन सबसे अपील करता हूँ कि बटन दबाइए और देश बनाइए, बटन दबाइए और देश को बनाइए। चलिए, बहुत बहुत आखिरी दौर है, 2 सेकंड। जहां तक हो सके नोटा ना दबाए, नोटा ना दबाए उसे, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोटा जी 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 जी, no जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, जनता जनार्दन का। मतदान आपका अधिकार है, 5 साल के लंबे इंतजार के बाद हर हिंदुस्तानी को ये मौका मिलता है कि वो अपनी बात सिस्टम के सामने पुरजोर तरीके से रखे। इसे गंवाना नहीं चाहिए, सिर्फ एक बटन दबाओ और राष्ट्र निर्माण की मुहिम में शामिल हो जाओ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था कि केवल मतदाता होना काफी नहीं है, कानून का निर्माता होना जरूरी है, नहीं तो जो कानून के निर्माता होंगे वो उन पर राज करेंगे। जो केवल मतदाता होना चाहते हैं, यानी वोट दें, जरूर दें, और केवल उसे दें जो आपके लिए, समाज के लिए और इस देश के लिए काम करे। नमस्कार।